अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है एमए फोर्थ सेमेस्टर मस्ट यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। हायर एजुकेशन सब्जेक्ट और कोर्स कोड है 6403। क्या आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, क्या हेडिंग्स लिखनी है, किस तरीके से आप अपने इस कॉन्सेप्चुअल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तमाम गाइडलाइंस मैं देने जा रही हूँ आपको इस वीडियो में। इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेट हायर एजुकेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। अब आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं स्टार्ट कर देना क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टाइप पेपर है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि हायर एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे कि किस तरह एजुकेशन की हेल्प से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्रूव होती है, कैसे स्किल्ड वर्कर्स हो, किस तरीके से अगर हाईली क्वालिफाइड स्किलफुल वर्कर्स हो तो उससे किस तरह से फर्क पड़ता है डेवलपमेंट पे, किस तरह से फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे, कैसे वो इम्पेक्टिव होती है, किस तरीके से आप उस जो अगर वर्कर्स जितना ज्यादा अच्छे होंगे, हायर एजुकेशन होगी उनकी, एम्प्लॉयज जो हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी तो किस तरीके से वो ओवरऑल इम्पैक्ट देगा, ठीक है। और एट द लास्ट कंक्लूजन दीजिएगा कि आपके ख्याल में मजीद इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है और किस तरीके से इनका रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड हाउ कैन दीज बी रीड्रेस्ड। अब जाहिर है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, ऑनलाइन क्लासेस के इश्यूज हैं, उसके अलावा कुछ अटेंडेंस इश्यूज हैं। ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि हाईलाइट करने का मतलब आपने उनको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 इस तरह से मैक्सिमम जितनी आप प्रॉब्लम्स दे सके। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 6 to 7 प्रॉब्लम्स लाजमी दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बताना है, यानी कि हाउ कैन दीज बी रीड्रेस्ड, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से सिस्टम को मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाईलाइट द वीकनेस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन आपने अपने वर्ड्स में लिखना है कि किस कौन कौन सी कमियां हैं हायर एजुकेशन में, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए ना लास्ट में कंक्लूजन में 2 से 3 लाइंस लिख दीजिएगा कि ये वीकनेस है और इनका इस तरीके से अगर हम कुछ पॉलिसीज अरेंज करें, पॉलिसीज डेवलप हो तो ये वीकनेसेस दूर की जा सकती हैं। होप सो आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मजीद किसी इंफॉर्मेशन की सूरत में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।